तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। आसान क्वेश्चन है, रेडियस अ सर्कुलर ट्रैक है। तो सर्कुलर ट्रैक की रेडियस ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, रेडियस है 600 मीटर एंड डिजाइन फॉर एट एवरेज स्पीड 180। ठीक है, वो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। वी जस्ट मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 5/18, तो हमें मिलेगा, यह मिलेगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन फॉर टर्निंग, इस पाथ पे टर्निंग के लिए मैक्सिमम स्पीड इतना है। तो ये वाली जो रोड है, देख रहे हो, ये वाली रोड रोड ऐसे है, ये वाली लाइन, और हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे रोड झुकी हुई है। तो ये जो थीटा है, इस थीटा की हमें कैलकुलेशन करनी है। रोड हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर रोड रहती है, तो ये वाली चीज़ ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटीपीटल फोर्स दे दे। तो हमें निकालना है व्हाट्स विद द एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा की कैलकुलेशन करनी है बच्चों। तो थीटा की कैलकुलेशन फॉर बैंकिंग, ठीक ना, बैंकिंग एंगल, अगर बैंकिंग एंगल निकालोगे, बैंकिंग एंगल यहाँ निकालोगे, तो थीटा की फार्मूला होता है जब म्यू यूज नहीं हो, जीरो लगभग फ्रिक्शन यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला है, वी ऑलरेडी आर जी टेन थीटा अंडर रूट, दिस इज द फार्मूला ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वी मैक्स स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक है, और बी मैक्स कितना है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 600 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट ये 2 टाइम्स 0 बिलो द फिनिश, दैट इज 25 एंड 60। तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल कैलकुलेट इज इक्वल टू 10 थीटा, 10 थीटा इज इक्वल टू 0.4166 एंड दिस इज द थीटा वैल्यू। आफ्टर दैट वी नीड टू कैलकुलेट थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू बेसिकली 10 इनवर्स 0.4166, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 22.6 डिग्री, दैट इज बेसिकली थीटा। तो फाइनली यू गॉट द आंसर फॉर दिस थीटा, ये वही थीटा है जिस पे बैंक जितनी इतनी से स्पीड से मुड़ सकते हैं। ठीक ना, अगर इससे ज़्यादा मुड़ोगे तो आपका गाड़ी स्लाइड कर जाएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, डिपेंड करता है आप की स्पीड कम है या ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियो।